यूट्यूब चैनल आल हॉबी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए नोबेल पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन आंसर लेकर के आए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं, और ये आपके लिए स्पेशल क्लास है, क्योंकि नोबेल पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन आपकी लगभग हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो कोई वनडे एग्जाम जैसे हो। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर एक। अर्थव्यवस्था का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये हैं एलिनर ऑस्ट्रॉम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सन 1964 में किस व्यक्ति ने साहित्य का नोबेल पुरस्कार लेने से मना कर दिया था? तो वो हैं जीन पाल सार्ट्रे। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीन। अमेरिका के किस राष्ट्रपति को शांति का पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये हैं थियोडोर रूजवेल्ट। बच्चों, क्या आपको पता है कि नोबेल पुरस्कार सन 1901 से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य तथा शांति के क्षेत्र में कार्यरत विश्व के पुरुषों एवं महिलाओं को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है? नोबेल पुरस्कार की नींव सन 1895 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल द्वारा रखी गई थी। उन्होंने अपनी वसीयत में अपनी समस्त संपत्ति को नोबेल पुरस्कार के रूप में दिए जाने की घोषणा की। सन 1969 से बैंक ऑफ स्वीडन अर्थव्यवस्था का नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर चार। उस पोलिश वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे सन 1930 में विकिरण पर कार्य करने हेतु भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तथा सन 1911 में रेडियम पर कार्य करने हेतु रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। तो वो हैं मैरी क्यूरी। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच। किसी भी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला सबसे कम आयु का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो वो हैं लॉरेंस ब्रेग। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर छः। उस बांग्लादेशी अर्थशास्त्री का नाम बताइए जिसे सन 2006 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो वो हैं मोहम्मद यूनुस। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सात। भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे अधिक आयु का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो वो है रेमंड डेविस जूनियर। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आठ। किस वैज्ञानिक को सन 1954 में रसायन विज्ञान का तथा सन 1962 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो वो हैं लाइनस पालिंग। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नौ। किस अकेले व्यक्ति को भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दो बार प्रदान किया गया? एक बार तो ट्रांजिस्टर की खोज करने के लिए, तथा दूसरी बार सुपर कंडक्टिविटी तथा की व्याख्या करने के लिए प्रदान किया गया था। तो ये हैं जॉन वर्डिन। आइए आगे देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 10 तथा आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन। सन
शांति के किस महान दूत को 5 बार नामित होने के बाद भी शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया? सन 1948 में उसकी मृत्यु के पश्चात नोबेल समिति को अपनी गलती का एहसास हुआ तथा इस वर्ष उसने किसी को भी शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं दिया, तो वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। बच्चों, ऐसे ही प्रश्न पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे प्रश्न हूबहू परीक्षा में सब छपने वाले होते हैं, क्योंकि ऐसे ही परीक्षा में घुमा फिरा के क्वेश्चन आते भी हैं। तो हमारा चैनल है आल हावी क्लासेज। तो मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।